हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये है क्रिसमस की वीडियो और ये मैं चर्च में आई थी और ये वीडियो डालनी भूल गई थी तो मैं आज डाल रही हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल पाया था एक्चुअली। और ये देखिए कितनी सुंदर चर्च है, कितने अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है। बहुत ही प्यारी लग रही है चर्च। मैं किसी दिन चर्च जाऊँ या ना जाऊँ, बट मैं क्रिसमस वाले दिन ज़रूर जाती हूँ चर्च में दर्शन करने के लिए। गॉड के, यीशु मसीह के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन में शांति मिलती है। ये देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है, क्रिसमस ट्री भी, और ये बहुत अच्छा, यहाँ शांति का वातावरण होता है, मन में बहुत शांति आती है। कभी कभी हमें चर्च भी जाना चाहिए। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ उनके दर्शन करके बाहर कैंडल जलाने के लिए। यहाँ मदर मैरी की भी मूर्ति है, कितनी सुंदर है यहाँ पे। और ये चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स हैं, बहुत ही सुंदर है। ये देखो मदर मैरी हैं और ये चर्च कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सारे स्टार्स लाइट्स। आज का दिन बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और ये देखिए कितना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है सब कुछ, मन में बहुत शांति आती है यहाँ पे आके। कभी कभी जाया कीजिए। और मैं यहाँ पे अब आ गई हूँ कैंडल जलाने के लिए। बाहर जो एक अरेंजमेंट की होती है कैंडल्स जलाने के लिए, वहाँ पे मैं कैंडल जलाऊंगी अपने बेटे के साथ और यहाँ पे प्रे करूँगी सबके लिए। आप भी आ जाइए मेरे साथ, प्रे कीजिए ईश्वर से कि वो सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, पॉजिटिव रखे, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। आने वाला साल और आने वाले हर साल सबकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे हों, सब पॉजिटिव रहें, परमात्मा से जुड़ें, अपनी बुराइयों को भूल कर अच्छाइयों की तरफ ध्यान दें। कभी किसी का दिल ना दुखाएं, जाने अनजाने से भी हमें हमेशा सबका ख्याल रखना चाहिए। कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए और सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी उन्होंने दिया वो उनकी कृपा से ही हमारे जीवन में है, तो हमें हमेशा सुबह शाम ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया। हमारी लाइफ में जो भी कुछ है उन्हीं का दिया हुआ है, तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अपने से छोटों का, बड़ों का, सबका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर कर दीजिए।